स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल सोशल उद्यत पे। आपको बताना चाहेंगे श्रीरंग अप्पा बाने जी द्वारा लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांग उठाई गई है, और इस बार जो मांग की गई वो 7500 ना करके सीधे 9000 प्लस डीए की मांग की गई है। वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज दिखाने वाला हूं कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उच्चतम पेंशन और महंगाई भत्ता दिए जाने से संबंधित विषय को लोकसभा में अति महत्वपूर्ण विषय के अंतर्गत शून्यकाल में उठाया गया है। बड़ी बात निकल के आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बात यहाँ रख रहा हूँ। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन को मासिक पेंशन 1000 रुपये से 3000 रुपये तक मिलती है। ये बहुत अपर्याप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने 4/10/2016 को अपने फैसले में कहा है कि सभी ईपीएस धारकों को वास्तविक वेतन मजदूरी के आधार पर पेंशन दी जाए, और सभी पेंशन भाइयों को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उच्चतम पेंशन का लाभ दिया जाए। इसी न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन 9000 रुपए प्रति महीना। बड़ी बात है, सरकार की जैसा कि आप देख सकते हैं कर्मचारियों के साथ महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। मैं अंत में मैं ये मांग करता हूँ, भारत सरकार के मेरा सरकार से अनुरोध है कि विषय का संज्ञान में लेते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 9000 रुपए पेंशन देने की कार्रवाई की जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि श्री रंग अप्पा जी ने ये बात जो है उठाई है, जिसमें 9000 रुपये ईपीएस 95 पेंशनर्स को देने की मांग की गई है बड़ी पैमाने पे, और बड़ी खबर निकल के आई थी लोकसभा से। आशा करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं इस विषय में, अपने राय हमें कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। हम आपसे फिर मिलेंगे नए अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों। तो बड़ी खबर लोकसभा से थी, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजा दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।